स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस के बचाव के लिए किए गए तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि अगर कोई कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो उसका इलाज प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए, उसे कहीं भी इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके साथ अगर कोई संदिग्ध नजर आता है तो उसका भी जाँच कराया जाए और उसका उचित इलाज भी किया जाए। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कोरोना के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एडी सर से बात हुई थी मैडम, डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल जो हमने शासन ने जारी किया मैटरनल हेल्थ का वो नहीं पढ़ा है क्या आपने? क्या है उसमें सर वगैरह के लिए एक अलग वो तैयार करने के लिए डिफरेंट में बोला था? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे मैडम, मैं पैथोलॉजी रिपोर्ट थी तो पहले कोविड हॉस्पिटल में हो गया, पहले ये रिपोर्ट है कंफर्म हो जाए फिर कोविड हॉस्पिटल में ही अटैच हो गया। अगर वो वहाँ पे क्योंकि वो द पेशेंट वाज वांटिंग अबॉर्शन, वो चापा के डेंटिस्ट के पास घूम रही थी वहाँ पे सीतापुर। नंबर दो, उसका अबॉर्शन मैडम जो गोबंधु कंफर्मेशन के लिए और अगर लॉजिक पॉजिटिव केस है सीतापुर में सैंपल नहीं लिए जाते हैं क्या? नहीं, उसके एक्चुअली शी वाज रेडी फॉर हियर फॉर द अबॉर्शन, तो मैंने कहा कि मैडम अबॉर्शन तो क्या होता है ना, जो कंफर्म हो जाती है एंड दो बिल्कुल है ब्लड मेजर किस चीज क्या चीज कंफर्म करना चाहते हैं आप? क्या कंफर्म करना चाहते हैं उसका कोविड स्टेटस? लेकिन वो तब तक वो पेशेंट कर रही थी फैसिलिटी नहीं है पेशेंट तो वहाँ पे एडमिट होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जब तक ये कंफर्म हुआ और हमारे यहाँ सब लोग संक्रमित हो जाएंगे मरीज कंफर्म नहीं हो जाएगा तो वो एडमिट फैसिलिटी करेगी, उसको आपने लोग बंधु भेज दिया, लोग बंधु से कंफर्मेशन नहीं करेगा वो फिर आपके पास दौड़ाएगा तो मरीज फुटबॉल बन के इधर से उधर जाती रहेगी।